नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो पांच की आंच। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं अपर्णा मौजम। सबसे पहले बात होगी सुमित्रा महाजन के बयान की। आखिर क्यों ताई को कहना पड़ा कि मैं जिंदा हूं। पांच की आंच में बात करेंगे कृष्ण के घर में चल रही महाभारत की। पति पत्नी का विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। उधर बात इंदौर के लखपति भिखारी की भी करेंगे। आखिर कैसे भीख मांग कर एक परिवार लखपति बन गया। बात बेखौफ बदमाशों की भी होगी जो पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। और आपको बताएंगे कैसे एक पति की जिद ने पांच दिन में नई नवेली दुल्हन की जान ले ली। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं क्यों सुमित्रा ताई कह रही हैं अभी मैं जिंदा हूं। इंदौर में नगर निगम परिषद में सम्मेलन का आयोजन किया गया जहां लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन इस कार्यक्रम में पहुंची। लेकिन इस दौरान कांग्रेस के पार्षदों ने हंगामा कर दिया। ये हंगामा सिर्फ और सिर्फ सियासी था। इसकी वजह भी अजीब थी। हंगामे को देख आखिर क्यों सुमित्रा महाजन को कहना पड़ा कि मैं जिंदा हूं। देखिए रिपोर्ट। सुमित्रा महाजन के नाम पर कांग्रेस राजनीति कर रही है और बीजेपी पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगा रही है। इस बीच सुमित्रा महाजन को कहना पड़ा कि मैं अभी जिंदा हूं। दरअसल इंदौर में नगर निगम परिषद सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन शामिल हुई। इस दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। वजह थी परिषद के हॉल के नाम में बदलाव। दरअसल नगर निगम परिषद के हॉल का नाम सुमित्रा महाजन के नाम पर रखने की मांग की जा रही थी, लेकिन इसका नाम बदलकर अटल सदन कर दिया गया है, जिसके कारण कांग्रेस ने हंगामा किया और इसको महिलाओं का अपमान बताया। सब लोगों ने सर्वसम्मति से उनके नाम पे ये सभागृह हो इसको नाम को लेकर सब लोगों ने सहमति जताई थी। परिषद में पारित हुआ था और उसी दिन उसकी पुष्टि भी हो गई थी। तो नई परिषद की भी जिम्मेदारी थी कि ताई हमारे इतने बड़े नेता है, हमारा मान सम्मान है, महिलाओं के लिए एक आइडियल है। अगर वो एक छोटी सी चीज उनके नाम से हो रही है तो इनका पेट क्यों दिखा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। हंगामे पर सुमित्रा महाजन ने कहा कि मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे नाम पर हॉल का नाम रखने की क्या जरूरत है, किसी में हिम्मत नहीं जो मेरे सम्मान को ठेस पहुंचा सके। जैसे ही एक सदन बनके तैयार हो गया, इसका उद्घाटन था, तो माननीय महापौर जी ने मुझे फोन पे उसके पहले बात करी और उन्होंने कहा था ये ऐसा ऐसा बनके रहते हैं, ये आपके नाम का प्रस्ताव है। मैं तुरंत थोड़ी कभी कभी गुस्सा होती हूँ, जब प्रस्ताव हुआ था तब भी आपको बताती हूँ, जो उस समय के पार्षद मुझे बताने के लिए आए थे उन पर भी मैं गुस्सा हुई थी। अरे मुझे पूछते तो सही, मैं अभी जिंदा हूँ। इस हंगामे के पीछे कई सियासी मायने हैं। पिछले कई दिनों से इसे ऑफ पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां सुमित्रा महाजन को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया गया था। साथ ही इंदौर से लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने की भी बात कही थी। कांग्रेस इस तरह हंगामा और बयानबाजी कर सुमित्रा महाजन के जरिए सियासत कर रही है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18। पति पत्नी में अक्सर होने वाले विवाद तलाक तक पहुंच जाते हैं। कई बार सुलह भी हो जाती है, लेकिन सेलिब्रिटी के विवाद अक्सर चर्चा में रहते हैं। श्री कृष्ण के घर इन दिनों महाभारत चल रही है। श्री कृष्ण का अभिनय करने वाले नीतीश भारद्वाज। नीतीश ने अपनी पत्नी स्मिता पर लगाए हैं गंभीर आरोप। इसकी शिकायत भोपाल कमिश्नर से भी कर दी गई है। दो चार मुलाकात और शादी, बात विवाद और तलाक, श्री कृष्ण के घर महाभारत। नीतीश भारद्वाज नाम भले ही आप न जानते हों, लेकिन ये चेहरा आप जरूर पहचान रहे होंगे। जी हाँ, ये महाभारत सीरियल के श्री कृष्ण हैं, जिनके घर इन दिनों महाभारत चल रही है। अनबन की ये कहानी पुरानी है, लेकिन अब ये मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। नीतीश भारद्वाज ने भोपाल पुलिस कमिश्नर से अपनी आईएएस पत्नी की शिकायत की है। शिकायत में कहा गया कि पत्नी बेटियों से मिलने नहीं दे रही है, फोन नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। भोपाल के स्कूल में 6 महीना, ऊटी के स्कूल में 4.5 महीना, इससे एकेडमिक करियर उनका अनस्टेबल हो जाता है।
वो कहीं पर भी स्टेबल नहीं रह सकती बेटियां। आपने जिस तरह से उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ा है, झूठ झूठ बोल के ये जो किया है उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके ऊपर हो रहा है, और ये आपको नहीं करने के लिए मैं 500 बार लिख चुका हूं, उसके बावजूद, दो मेल्स के बावजूद आप यू आर आंसरेबल टू मी। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि ये फैमिली विवाद का मामला है और मामले की जांच जारी है। इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है और पुलिस उस पूरे मामलों के तथ्यों की जांच कर रही है। सभी का किसे सौंपा गया सर, कौन जांच कर रहा है सर? इसमें एक वरिष्ठ महिला अधिकारी पूरे मामले की जांच। एक्टर नीतीश भारद्वाज ने पत्नी स्मिता पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। चलिए आपको नीतीश और स्मिता की शादी के बारे में बता देते हैं। दोस्त के जरिए दोनों की मुलाकात हुई, दो चार मुलाकात में शादी का फैसला हो गया। साल 2009 में दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ। आईएएस अधिकारी हैं पत्नी स्मिता गाटे। पत्नी वर्तमान में भोपाल में है कार्यरत। अपर मुख्य सचिव के पद पर हैं स्मिता। एक्टर नीतीश भारद्वाज ने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल दोनों के बीच चल रहा विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो अभिनेता नीतीश भारद्वाज ने अंशिका अपनी पत्नी पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी के साथ अभिनेता ने कई आरोप लगाए हैं। उन आरोपों में क्या है बड़ी बातें, वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, जान लीजिए कि आखिर क्या है वो अहम आरोप। तो आईएएस पत्नी है नीतीश भारद्वाज की, जिन पर उन्होंने आरोप लगाया है बेटियों के अपहरण का भी, और साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों बेटियां कहां है ये कोई भी नहीं जानता। सितंबर 2021 से दोनों बेटियों से उनका संपर्क नहीं हुआ है, नीतीश भारद्वाज ने ये बात का खुलासा किया, और साथ ही सीएम से मामले की शिकायत भी उन्होंने कर दी है। इसके अलावा भोपाल पुलिस कमिश्नर को भी पत्र लिखा है अपनी आईएएस पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए। पुलिस कमिश्नर से हमको ये भी नहीं पता कि आज मेरी बेटियां हैं कहां, क्योंकि भोपाल से निकाल के ओटी में डाल दिया था, अब ओटी से निकाल के उनको कहां डाल दिया है, वो किस स्थिति में है, उनको जितने झूठ झूठ बोले गए हैं उनकी मानसिकता पर विपरीत परिणाम हो रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमने कंप्लेंट किया है भोपाल पुलिस कमिश्नर मिश्रा जी से कि एक तरह से ये मेरी बच्चियों का अपहरण है और साथ में उनका मानसिक और प्रशांत कटारे भोपाल से हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं, सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, इस पूरे मामले में क्या कमिश्नर की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया, सरकार से तक गुहार लगाई है नीतीश भारद्वाज ने? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहली नजर में मामला विशुद्ध रूप से नजर आता है पारिवारिक विवाद का, लेकिन चूंकि मामला बड़ा इसलिए हो जाता है कि एक तरफ आईएएस वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं, पत्नी वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं, दूसरी तरफ सिने स्टार हैं, टीवी स्टार हैं, बड़े टीवी स्टार हैं, बीजेपी से राज्य लोकसभा के सांसद भी रहे हैं, इसलिए मामला और बड़ा हो गया। हालांकि पुलिस इस मामले में पुलिस को शिकायत मिली है और अपने स्तर पर पुलिस इस पर संज्ञान भी ले रही है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा को शिकायत की गई। इससे पहले जो पहले पुलिस कमिश्नर थे उनसे भी मेल के जरिए संपर्क हुआ था नीतीश भारद्वाज का, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जो बेटियां हैं वो हैं कहाँ। ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्या आप उस अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए कि बच्चियों को क्या पिता से दूर रख सकते हैं, क्या कस्टडी भी नीतीश भारद्वाज की तरफ से मांगी गई थी लेकिन उन्हें कस्टडी नहीं दी गई। जो अभी पत्रकार वार्ता में जो उन्होंने बातचीत बताई, उन्होंने बताया कि 2009 में उन्होंने डाइवोर्स पिटीशन फाइल की थी और इसके बाद 2020 में ये सर्व भी कर दी गई थी। इसके बाद धीरे धीरे कांटेक्ट खत्म होता चला गया बच्चों से, और जब एक बार बीच में कांटेक्ट हुआ भी तो उन्हें एहसास हुआ कि कितना जहर उनके खिलाफ भर दिया गया। एक बच्ची से जब उनका वार्तालाप हुआ तो उस बच्ची ने कहा कि आपने केवल मेरी कस्टडी मांगी, आपने दूसरी सिस्टर की कस्टडी नहीं मांगी, इस तरह की। और यही वो प्रेस वार्ता में भी कहते हुए नजर आए कि 2021 से उन्हें नहीं पता कि उनकी दोनों बेटियां कहां हैं और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रशांत जानकारी साझा करने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, बात कर
कर लेते हैं लखपति भिखारी की, जहां इंदौर में भीख मांगकर एक महिला ने लाखों रुपए कमा लिए। इस पैसे से मोटरसाइकिल समेत कई सामान भी खरीद लिए। जब मामले का खुलासा हुआ था तो हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। पूरा का पूरा परिवार भीख मांगने का काम करता है। महिला, पति और 5 बच्चे सभी भीख मांगते हैं। और तो और, ये परिवार लखपति है। क्या है पूरी कहानी, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। एमपी की लखपति भिखारी, 45 दिन 2.5 लाख कमाई। क्या है लखपति बनने की कहानी? भीख मांगकर कोई 45 दिन में लखपति बन सकता है क्या? यकीन भले ही ना हो रहा हो, लेकिन यही सच है। इंदौर में लवकुश चौराहे पर भीख मांगकर एक महिला और उसकी बेटी ने महज 45 दिन में 2.5 लाख रुपए कमा लिए। मामले का खुलासा एक संस्था की ओर से किया गया। बताया जा रहा है कि कलेक्टर के निर्देश पर भिखारी मुक्त बनाने के लिए इंदौर में कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान काम कर रही संस्था ने एक महिला को बच्ची के साथ पकड़ा। जांच के दौरान जो जानकारी सामने आई उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। महिला के पास बाइक मिली, इसे चलाने का लाइसेंस भी मिला। बताया जा रहा है कि महिला के 5 बच्चे हैं और ये सभी लोग भीख मांगते हैं। पत्नी पर कार्रवाई की खबर लगते ही पति 2 बेटों के साथ राजस्थान फरार हो गया। प्रशासन ने बच्ची को बाल सुधार गृह में भेज दिया है, जबकि महिला पर जे एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। वही मामला सामने आने के बाद NHRC ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। NHRC जे एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों को दी जाने वाली देखभाल समेत मामले में 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। नोटिस में कहा गया है कि इसमें राज्य के भिक्षावृत्ति विरोधी कानून को सख्ती से लागू करने के साथ ऐसी घटनाएं रोकने के लिए की गई कार्रवाई भी शामिल हो। और अब बात होगी सुरक्षा पे सवाल को लेकर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बदमाश बेखौफ हैं। न जाने किस चौक चौराहे पर ये आपको अपना शिकार बना ले। हो भी सकता है कि दिन दहाड़े आपकी दुकान, आपके घर में घुसकर वारदात को अंजाम दी जाए और आपको इसकी खबर तक ना लगे। कुछ ऐसे ही मामले इंदौर और मनेंद्रगढ़ से सामने आए हैं, जहां बेखौफ बदमाशों ने कानून और पुलिस पर सवाल उठा दिए हैं। बदमाशों का आतंक, दिन दहाड़े दुकान से चोरी का खेल, रात का अंधेरा लूट का सहारा। हर दिन बदमाशों का नया प्लान, सुरक्षा का सवाल कब तक नकी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो बदमाशों के इरादे और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। तस्वीर इंदौर की है, जहां एक महिला जाते हुए दिखाई दे रही है। बाइक पर सवार 2 लोग पास निकल रहे हैं। कौन कह सकता है कि उनके मन में क्या खेल चल रहा था। इन तस्वीरों को देखिए, अपनी धुन में महिला जा रही थी, पीछे बाइक से उतर कर आरोपी आता है, महिला से लूट की कोशिश करता है। दोनों के बीच काफी समय तक संघर्ष चला। महिला ने हिम्मत दिखाई, आरोपी से भिड़ गई। आरोपी भी समझ गया लूटना संभव नहीं है, इसलिए मौका पाकर आरोपी भाग जाता है। लेकिन ये तस्वीर महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। पुलिस को बता रही है कि बदमाशों में कानून का कोई डर नहीं है। आखिर कब तक इस तरह की वारदातें होती रहेंगी। उधर छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां महिला चोर गैंग का आतंक देखने को मिला है। महिलाओं के गैंग ने एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं महिलाएं ज्वेलरी देख रही हैं। कौन कह सकता था कि महिलाएं चोरी के इरादे से यहां पर आई। ना दुकानदार को कोई खबर, ना किसी और, बस मौका देखा, गैंग ने काम तमाम कर दिया। मामला केलहारी थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि इस गैंग में 6 महिलाएं शामिल थी। कहा जा रहा है कि आरोपी दुकान से लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी करके ले गई। अब सवाल कानून व्यवस्था पर उठता है, आखिर क्यों बदमाशों पर नकेल नहीं कसी जा रही। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। क्या सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी तरह पूरी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।